हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आप TVS क्रेडिट में पैसा डाल सकते हैं। अगर आप TVS क्रेडिट का एजेंट हैं तो आप किस तरह से अपना पैसा को अपने कोड के द्वारा डलवा सकते हैं। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का BC एजेंट हैं तो आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आप TVS क्रेडिट में पैसा डलवाना चाहते हैं, अगर उनका एजेंट है या कस्टमर है तो भी ये वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। आज की वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले का वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि एयरटेल पेमेंट बैंक में किस तरह से पैसा को जमा करना होता है, यानी कि कैश विड्रॉल कैसे करते हैं, और वो आपका जितना भी विड्रॉल होगा सभी आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में आ जाएगा, और वो पैसे को आप TVS क्रेडिट में कैसे डालेंगे वो चलिए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम अपना एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम अपना एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हमको यहाँ पर कैश ड्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कैश ड्रॉप लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पर कौन सा कंपनी में हमको पैसा डालना है वो कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमको TVS क्रेडिट पे डालना है तो TVS क्रेडिट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिपॉजिटर टाइप, यहाँ पर एजेंट है या कस्टमर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एजेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका कोड डालना पड़ता है, तो कोड यहाँ पर डाल देंगे एजेंट का। उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, तो डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा कि कितना पैसा हमको पे करना है। यहाँ पर दो अमाउंट दिखाई दे रहा है अलग अलग, जिसको पेमेंट करना है उस पर हम टिक लगा देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक अमाउंट हम पे करेंगे, उसके बाद दोबारा से हम फिर से दोबारा वो हम पे करेंगे। तो चलिए, एक पे हम टिक कर देते हैं, जिसको हमको पहले पे करना है उस पर टिक लगा देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे सही है या गलत, सही है तो कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर डिपॉजिटर मोबाइल नंबर, एक यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे जिसमें OTP जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए उस नंबर पे एक OTP चला जाएगा। OTP को यहाँ पर डाल देना है, अगर OTP नहीं जाता है तो आप रिसेंट कोड पे क्लिक करके दोबारा से OTP भेज सकते हैं। आप चाहे तो दो या तीन बार ट्राई कर सकते हैं, रिसेंट OTP भेज सकते हैं। उसके नीचे आपको रिटेलर MPIN, जो रिटेलर का MPIN है एयरटेल पेमेंट बैंक का, वो MPIN यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब हम दोबारा फिर से पेमेंट करेंगे, जो एक पेमेंट बच गया है उसे हम फिर से दोबारा पेमेंट करेंगे। फिर से हमको कैश ड्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है, सिलेक्ट करना है TVS क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे एजेंट, एजेंट का यहाँ पर कोड डाल देंगे और गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक अमाउंट पेमेंट करने के लिए बचा हुआ है, टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स आ जाएगा सही है तो कंफर्म पे फिर से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर डिपॉजिटर का मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उस नंबर पे फिर से दोबारा OTP जाएगा, OTP यहाँ पर डाल देना है और नीचे रिटेलर का MPIN डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हो चुका है पेमेंट। आप इसी तरह से TVS क्रेडिट में पैसे डाल सकते हैं। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक से किस तरह से आप दूसरे कंपनी में अलग से नए तरीके से पैसा डाल सकते हैं, और वो कौन कौन कंपनी में आप पैसा डाल सकते हैं, पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।